इस्तकबाल है, स्वागत है आप सभी दर्शकों का सत्यम न्यूज वेब टीवी में। आज मंगलवार सत्य सवेरा की फटाफट खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैसी। आइए अब नजर डालते हैं भदोही जिले की कुछ अहम खबरों पर। योगी सरकार गांव के विकास के लिए धन पानी की तरह बहा रही है और विकास के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भदोही विकास खंड के ग्राम सभा जाहिदपुर में विकास के नाम पर लोगों को कच्ची सड़कें, कच्ची नालियां और प्रकाश के नाम पर बंद पड़ी सोलर लाइटें मिली हैं। ग्राम सभा जाहिदपुर की बदकिस्मती कहें या विकास का पिछड़ापन, यहां सड़कों पर गंदा पानी जमा है, नालियों का अभाव है, सड़कें आज भी कच्ची व बदहाल हैं। गांव की सड़कों व गलियों को रोशन करने के लिए सोलर लाइट तो लगवाया गया है, लेकिन लगने के चंद दिनों बाद से ही सोलर लाइट बंद पड़ी है। लोगों को यही दिक्कत है, देखिए सड़क एकदम नहीं पास है। हम लोग को 4 साल से हम लोग कैसे पसंद नाली पधाल ऐसे खोल दी ना, ऐसे लवच्चे हमारे लोग के निकलने पर बीमारी के घर पर आ जाता है। इतनी बदबू होती है कि कुछ कहने के लिए बैठ नहीं सकते हम लोग यहाँ पर। गोपीगंज कछवा के समीप हाईवे पर मरी पड़ी गाय से बाइक टकरा गई, जिसमें बाइक सवार अमुआ माफी गांव निवासी रिंकू गौड़ की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त राजू मामूली रूप से घायल है। दोनों बाइक से शादी में शामिल होने गए थे, लौटते समय भोर में यह हादसा हुआ है। रिंकू की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की उम्र 28 वर्ष बताई गई है। सड़क पर मरी पड़ी गाय से टकराने के बाद यह हादसा हुआ है। सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर हुआ है। बदहाल इंदिरा मिल सर्विस लेन की सड़क के गड्ढे को भरने का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सत्यम न्यूज वेब टीवी ने 25 जून को गड्ढे में तब्दील सर्विस लेन की खबर प्रमुखता से दिखाई थी और भदोही विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने सत्यम न्यूज से कहा था कि जल्द ही काम लग जाएगा। खबर दिखाने के बाद सफाइयों का प्रतिनिधिमंडल पूर्व विधायक जाहिद बेग के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम SDM भदोही को पत्र सौंपा था। खबर का बड़ा असर हुआ, सर्विस लेन के गड्ढे को पाटने का काम शुरू हो गया है। उधर भाजपा का सहयोगी दल अपना दल यस ने कहा कि सरकार समस्याओं को लेकर गंभीर है। लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2008 से भदोही जनपद के GT रोड पर लाला नगर टोल प्लाजा पर काम कर रहे कर्मियों को बैठा दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। टोल कर्मियों का हक दिलाने भारतीय मजदूर संघ भी तल्ख हो गया है। मजदूर संघ के अध्यक्ष राम सुंदर राय के नेतृत्व में ज्ञानपुर के दुर्गागंज रोड के समीप बैठक की। बैठक में चेताया कि लॉकडाउन के नाम पर बैठाए गए कर्मियों को शीघ्र ही वापस नहीं बुलाया गया तो संगठन हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ सरकार रोजगार देने के लिए दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार ने 2008 से काम कर रहे कर्मियों को बैठा दिया है, साथ ही लॉकडाउन के दौरान का वेतन भी नहीं दे रही है, जिससे टोल कर्मी भुखमरी के कागार पर हैं। भदोही शहर के स्टेशन रोड स्थित मोहल्ला पश्चिम तरफ सपा नेता जावेद खान के आवास पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हसनैन अंसारी ने मौजूद तमाम सपा कार्यकर्ताओं के साथ रामगोपाल यादव का 74वां जन्मदिन केक काट कर मनाया। इस मौके पर सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जीवनदायिनी 108, 102 एम्बुलेंस कर्मियों का महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय पर जारी धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। वेतन भत्ते में कटौती के विरोध में एम्बुलेंस कर्मियों का यह धरना चल रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे एम्बुलेंस कर्मियों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक यह विरोध चलता रहेगा। कहा कि जान बूझ कर वेतन भुगतान में कंपनी द्वारा देरी की जाती है, कर्मियों ने मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है।
वाराणसी से मिर्जापुर जाते समय समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्ष विकास यादव का रजपुरा चौराहे पर स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख एडवोकेट विकास यादव के नेतृत्व में सपा नेताओं ने युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर राजकुमार यादव, पन्नालाल यादव आदि सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। शासन के नोडल अधिकारी भदोही धमके, मंडल स्तर पर तैनात नोडल अधिकारी सीधे भदोही शहर के चौरी रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद संक्रमित मरीजों के अस्पताल की व्यवस्था पर की। नोडल अधिकारी के साथ एसडीएम भदोही आशीष कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे। नोडल अधिकारी ने संक्रमितों से बातचीत की, साथ ही सीएससी अधीक्षक से काफी देर तक गुफ्तगू की, साथ ही मरीजों की समुचित देखभाल व अस्पताल के साफ सफाई का निर्देश दिया। इसके बाद नोडल अधिकारी सीधे महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय की व्यवस्था भी परखी। भदोही विकास खंड के पिपरिस गांव में एक मार्ग 40 वर्षों से बदहाल पड़ा है। सूबे में भाजपा सरकार बनने के बाद लोगों को यह उम्मीद जागी थी कि अब यह इस मार्ग के दिन बहुरेंगे, लेकिन 40 वर्षों से बदहाल यह मार्ग आज भी जस का तस पड़ा है। जबकि भदोही विकास खंड का पिपरिस ग्राम सभा काफी बड़ा है, इसके बावजूद भी पिपरिस महादेवा मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त व बदहाल है। इस सड़क पर आवागमन करने में भी दुश्वारियां हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने बदहाल सड़क के मरम्मत कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले के सूर्यावा नेता नगर स्थित विद्युत विभाग का उपखंड कार्यालय परिसर में जलभराव के चलते उपखंड पर आने वाले लोगों के साथ ही विद्युत कर्मियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत उपखंड कार्यालय जलभराव को लेकर अक्सर कर्मी डरे सहमे रहते हैं कि कोई बड़ा हादसा न हो जाए। भदोही जिले के चौरी थाना अंतर्गत अनेकपुर गांव के मलेथू रोड पर तेज आंधी व बारिश के चलते एक विशाल पेड़ धराशाही हो गया था। हालांकि इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन पेड़ गिरने से कुछ देर के लिए आवागमन बाधित था, जिसे तुरंत ग्रामीणों ने गिरे हुए पेड़ को हटा दिया। भदोही जिले के स्वास्थ्य महकमे द्वारा जारी सूचना के मुताबिक चीनी वायरस से एक और मौत हो गई है। अब मरने वालों की संख्या जनपद में टोटल 6 हो गई है। आज सोमवार को चीनी वायरस से संक्रमित 4 नए मामले पाए गए हैं। अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 133 पहुंच गई है। औराई ब्लॉक के जगन्नाथपुर में पति पत्नी चीनी वायरस से संक्रमित मिले हैं। कार से यह दंपत्ति मुंबई से अपने घर पहुंचे थे। इसी तरह भदोही शहर के स्टेशन रोड का निवासी एक युवक संक्रमित पाया गया है। यह युवक भी मुंबई से भदोही आया था। युवक ने अपना पता भदोही के स्टेशन रोड का दिया था, लेकिन युवक रजपुरा के समीप रहता है। इसी तरह औराई के औरंगाबाद की एक युवती भी चीनी वायरस से संक्रमित पाई गई है। भदोही ब्लॉक के जगदीशपुर निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसका स्वैब जांच के लिए भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में इस वृद्धि की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भदोही जिले के चौरी थाना अंतर्गत परसीपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर बीमारी से परेशान चौरी के आहोपुर निवासी शीतला प्रसाद यादव नामक 70 वर्षीय व्यक्ति ने टावर बैगन ट्रेन इंजन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने का प्रयास किया। काफी देर बाद मृतक की पहचान हो पाई। रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक कुछ दिन पहले अपने पैर का ऑपरेशन कराया था, इसी बीमारी को लेकर वह परेशान था। भदोही जिले के भाजपा नेता गगन गुप्ता ने जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र सौंपते हुए साप्ताहिक बंदी को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक सभी दुकानों को खोले जाने की मांग की है। दिए गए पत्र में कहा कि कुछ दुकान 3 दिन तो कुछ दुकानों को सप्ताह भर खोलने का आदेश है,
जिससे ग्राहकों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है, जिसके चलते ग्राहकों को कई बार बाजार का चक्कर लगाना पड़ता है। भदोही जिले के डीग क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में नेहरू युवा केंद्र द्वारा चीनी वायरस से बचाव एवं सुरक्षा का उपाय बताया गया। जन जागरण अभियान के तहत प्रतीक साहू के नेतृत्व में डीग ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन से जुड़े लोगों ने पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही सैनिटाइजर का छिड़काव, शारीरिक दूरी का पालन, मास्क का उपयोग सहित आरोग्य सेतु के संबंध में जानकारी दी और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने का भी सुझाव दिया। इस दौरान शत्रुंजय कुमार शुक्ला, आशुतोष पांडे, हेमंत शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आप अपने आसपास की खबरों को नीचे दिए गए नंबरों पर हमें बताएं। साथ ही सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।